तो हम पहली बार लेकर आए हैं व्लॉग, और हम आ चुके हैं इंदौर के पितृ पर्वत पर। अभी हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर हरियाली है, यहाँ पर अभी फ़िलहाल सुनसान है क्योंकि हम सुबह 10 बजे आ चुके हैं यहाँ पर। और ये जो एयरपोर्ट है यहाँ से बहुत पास में है यहाँ पर, और इसको जो है काफ़ी लोगों द्वारा बनाया गया है, और बहुत दूर दूर से इसकी मूर्ति की जो स्थापना हुई है काफ़ी महंगी हुई है। और ये काफ़ी आसपास काफ़ी हरियाली है, और क्या क्या है इधर आइए हम जानेंगे। मन कैसे होता है ये चलना क्या भाई जैसी बैठ गई। चल ये अपनी फाइल लेके जा रही है जो कि इसने पूरी जितनी मेहनत करी है वो इस फाइल में, पूरी ज़िंदगी की फाइल है इसकी। और यहाँ देखिए हनुमान जी को चढ़ाने जा रही है, क्या आप ही रख लो हमारे तो कोई काम नहीं आ रही। ये थक गई है पार्टी यहाँ पे। एक हम हमारे साथ संतरे भी लेके आए, पानी की बोतल लाए, खुद कुछ भी नहीं लाएगी, एक चीज उठाई है सब हम ले आए। पहले बोलना तो सीख लो, लाए खाली चीज हम ला रहे। कैसा लग रहा है इस समय आप? बहुत बढ़िया लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे आज कम से कम ऐसा लग रहा है कि जो सर्टिफिकेट्स हैं वो छाया देने का काम तो कर रहे हैं। फाइल दे रही, सर्टिफिकेट थोड़ी दे रहे हैं। इसके अंदर है ना, तो वो तो उसका उसका क्या लेना देना, हो या नहीं हो बोल दिया। मैं जाके पानी पी रही हूं। पैसे देखिए आपको यहाँ पर ऐसे प्लेन जाते भी दिख जाएंगे, पति देंगे हम तो मजे। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर, पीछे देख सकते हैं ये पितेश्वर हनुमान मंदिर है, और ये खुल चुका है। 1 से 3 बजे तक ये बंद रहता है, तो उस समय आप लोग नहीं आइए। और काफ़ी इजी आना, एयरपोर्ट से सीधा ही रास्ता है, गोमटगिरी के सामने आपको दिख जाएंगे बड़े से हनुमान जी। और ये देखिए भैया, हेलो भैया, क्या नाम है आपका? आकाश। कहाँ से आए हो? इंदौर से आए हो? कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे? कम से कम बहुत बार आ चुका हूँ। तो ये आकाश जी पीछे आप देख सकते हैं बहुत बार आ चुके हैं, उनके दोस्त भी है। क्या नाम है भैया? शुभम कौशिक। शुभम कौशिक जी। और आप? नमल। नमल जी। ये पानी का छिड़काव करने ही इतनी दूर। अब ये भगवान के मंदिर में आके सेवा करने का मौका मिला है आज। मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। मंगलवार के दिन हमारा सडनली विदाउट प्लान पितृ पर्वत आना हुआ, और यहाँ देखिए वो देख रहे हैं। सही कर रही काम, नौकरी पे रख सकते हैं। वाइपर भी फेरो, काम करना तो पूरा करो। हनुमान जी को क्या कैसे बोलते? चिल्ला के कैसे बोलते? जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए ये हनुमान जी सीता जी को कुछ दे रहे हैं क्या? अंगूठी। अच्छा अंगूठी दिखाई दे रहा, तुमको दिख रही कि नहीं? ये अंगूठी दिखाई थी जब वो है। और ये क्या दिखाया था? ये हनुमान जी राम जी के साथ है। तो यहाँ पे नक्काशी करी हुई है, और ये देखिए पूरी जमीन खाली पड़ी है, अपन प्लॉट काटेंगे इसके ऊपर। और हनुमान जी को देख लीजिए। क्या नाम है भैया आपका? विजय चौहान। विजय चौहान जी, कब से आ रहे हैं आप? मेरे को तो बचपन से आ रहे हैं, क्योंकि हम तो ये पास पर बना तो अभी है ना ये? नहीं, यूं तो आ रहे हैं, मतलब ये अभी बना है। अच्छा, लेकिन उसके पहले भी है छोटा सा मंदिर। अच्छा, मंदिर था फिर ये, उसको फिर कैलाश जी ने उसको बड़ा करवा दिया है, और इसके पीछे का एक शिव मंदिर भी है। अच्छा, हमारा गाँव पूरा गाँव शिवरात्रि के दिन पूरा उठ गया। चलो भैया बहुत अच्छा, कैसा लग रहा है आप बताइए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, पॉजिटिव वाइब्स। तो नीचे तो नाटक कर रही थी तुम, बोल रही थी नहीं, बिकॉज़ यहाँ का जो एंट्रेंस था मुझे लगा कि ऊपर सिर्फ एक पहाड़ होगा। कहाँ से आए मम्मी, कहाँ से आए हो? इंदौर से आए। इंदौर से कितनी बार आ चुके हो यहाँ पे? हम तो पहली बार ही आए, पहले जब नहीं थे ना, यहाँ कुछ भी नहीं था जब आए थे। अच्छा, छोटे से हनुमान जी थे। हमें तो यही नहीं पता कि यहाँ पे कुछ था। नहीं नहीं थे, हनुमान जी जंगल था। देखिए यहाँ पे भैया लोग सब फोटोग्राफी कर रहे हैं, बढ़िया इंजॉय कर रहे हैं। आप लोग भी आए शाम को, आए अभी तो गर्मी में धूप, सुबह ज़्यादा है, 1 से 3 ये बंद। कब से आप सेवा के यहाँ पर?
दो साल हो गए बाबा की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। हाँ 28 फरवरी 2020 को। अभी तक तारीख क्या थे आपको? अरे वाह। जाने का टाइम आ गया है, ये आपको दिखाते हैं फाइनल एक बार। ये हनुमान जी है यहाँ पे, अभी गार्डन में काम चल रहा है तो जाने नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर भी हनुमान जी के पास नहीं जाने थे, नहीं तो लोग ऊपर चढ़े आते थे हनुमान जी के पास, खुद को बंदर समझते थे सब। और ये देखिए, अब जैसे वहाँ से आना हुआ था यहाँ से जाना हो रहा है। ये हनुमान जी की जो है गधा है, गधा। और ये अच्छा लगा, ये देखिए कूद के दिखाएगी नीचे, देखिए ये कचरा ना फेंकी है मैंने डस्टबिन में, मैंने उठा के ले गया, उठा के इधर इधर इधर। तो ये था हमारा पितृ पर्वत का ब्लॉग, और अब हम वापस से घर जा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और आप भी आइएगा और जय श्री हनुमान बोलिएगा। जय श्री हनुमान।